ओके इंग्लिश फ्रेंड चैनल को आपण को स्वागत आपण करूची। माने केमिति अछंती? निश्चय भलरे थिबे। तो आज आमे पढ़वा गोटे न्यू चैप्टर। से चैप्टर ना हला हु यूज्ड फॉर कोसिन टैक। तो हु केउठी केउठी व्यवहार होची सेटा आमे पढ़वा आउ तारो कोसिन टैक भी पढ़वा। जदि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना तो प्लीज कर दिंतु। आउ हाँ वीडियो को एंड पर्यंत देखिबे नले आपण बुझी पारिबेनी। तो स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हु यूज फॉर क्वेश्चन टैग तो आपण देखि पार्थिबे एटी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर अछि। तो हु केउठी केउठी लागिछि सेटा एटी देखा जाउछ। जदि आपण एटा को लिखिनाती तो जल्दी लिखि दियंतु नले आपन को मन रहिबनि किछि। तो प्रेजेंट को आमे जिबा फास्ट। तो एटि लिखाई छि आई प्ले क्रिकेट, मु क्रिकेट खेले। तो एटि तार क्वेश्चन टैग केमती हबो, आई जगह रे हु, प्ले जगह रे प्लेस बसिबो, क्रिकेट जगह रे क्रिकेट। तो हु प्लेस क्रिकेट तो ओडिया हबो किए क्रिकेट खेले। तो नेक्स्ट को जीवा आई एम प्लेइंग हॉकी, मु हॉकी खेलुछी, आई हैव प्लेड हॉकी। तो मु आग एटा बुझे तो आई हैव प्लेड हॉकी, मु हॉकी खेलिछी। तो एटी देखुथिबे जे आई एम प्लेइंग हॉकी र मु क्वेश्चन टैग कहले तो कह दौ आई एम प्लेइंग हॉकी रो क्वेश्चन टैग हला हु इज प्लेइंग हॉकी। तो किए हॉकी खेलुची तो आई हैव प्लेड हॉकी, मु हॉकी खेलिछि। हु हैज प्लेड हॉकी, किए हॉकी खेलिछि। आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, मु फुटबॉल खेली आसुची। हु हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल, किए फुटबॉल खेली आसुची। तो आपण प्रेजेंट एने बुझी पार्थिबे आई जगह रे हु लागिवो, सबु आई जगह रे हु लागिवो, आउ एटी प्ले जगह रे प्लेस प्लेइंग, आउ एटी आई एम प्लेइंग हॉकी। तो एटी आई जगह रे हु लागिगला परे आम जगह रे इज लागिवो। तो प्लेइंग को प्लेइंग, हॉकी को हॉकी। आई एम प्लेइंग हॉकी रो क्वेश्चन टैग हला हु इज प्लेइंग हॉकी। तो ये देखु दिबे आई हैव प्लेड हॉकी, तो आई जगह रे हु लागिला, हैव जगह रे हैज लागिला, आउ प्लेड हॉकी को प्लेड हॉकी। तो आई हैव प्लेड हॉकी रो क्वेश्चन टैग हला हु हैज प्लेड हॉकी। तो ये देखि पर्तुबे आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, तो तारो क्वेश्चन टैग हला हु हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल। तो आई जगह रे हु लागिला, हाफ जगह रे हाच, आउ सबु बीन प्लेइंग फुटबॉल एका। तो एठी हे गला हु हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल। तो प्रेजेंट टा को आपण बुझी पाथिबे प्रेजेंट रो केमिति यूजेस हला अर्थ सहित मु बुझेई देली। तो नेक्स्ट को जीबा पास्ट। तो पास्ट आमे जीवा तो आई प्लेड हॉकी, मु हॉकी खेलिली, हु प्लेड हॉकी, किए हॉकी खेलिला, आई वाज प्लेइंग वॉलीबॉल, मु वॉलीबॉल खेलुथिली, हु वाज प्लेइंग वॉलीबॉल, किए वॉलीबॉल खेलुथिला, आई हैड प्लेड क्रिकेट, मु क्रिकेट खेलिथिली, हु हैड प्लेड क्रिकेट, किए क्रिकेट खेलिथिला, आई हैड बीन प्लेइंग हॉकी, मु हॉकी खेली आसुथिली, हु हैड बीन प्लेइंग हॉकी, किए हॉकी खेली आसुथिला। तो हु केउठी व्यवहार हब आउ तार ओडिया मीनिंग मु बुझेई देली। तो एने पढ़ा तार क्वेश्चन टैग। तो आई जगह रे आपण हु लगेबे, प्लेड हॉकी जगह रे प्लेड हॉकी लइबे। तो आई प्लेड हॉकी रो क्वेश्चन टैग लेकि बर्तवे पास्ट टेंस रे आई प्लेड हॉकी जो हु प्लेड हॉकी। तो आपण देखि पार्थिबे एटा तो
ଖାଲି ଆଇ ଜାଗାରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଉଛି ହୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ଲେଡ୍ ହକି ୱାଜ୍ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ ଭଲିବଲ୍ ୱାଜ୍ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ ଭଲିବଲ୍ ହାର୍ଡ୍ ପ୍ଲେଡ୍ ହକି ତ ହାର୍ଡ୍ ବିନ୍ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ ହକି ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଠି ଆଇ ଜାଗାରେ ଖାଲି ହୁ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ନାହିଁ, ଖାଲି ଆଇ ଜାଗାରେ ହୁ ଲାଗିବ, ଖାଲି ସବଜେକ୍ଟ ବଦଳୁଛି, ସବଜେକ୍ଟ ଜାଗାରେ ହୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ସବଜେକ୍ଟ ବଦଳୁଛି, ପ୍ଲେ ବଦଳୁଛି, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ଲେ ପ୍ଲେସ୍ ହେଲା, ଆମ୍ପଟା ଇଜ୍ ହେଲା, ହାଫ୍ଟା ହାଜ୍ ହେଲା। ତ ଏଇଠି କିଛିଟା ଜିନିଷ ବଦଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଖାଲି ସବଜେକ୍ଟ ବଦଳାଇକି ହୁ କରାହଉଛି। ତାପରେ ଯିବା ଫ୍ୟୁଚରକୁ, ତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପାଷ୍ଟର କମ୍ପାରିଜନ ଆପଣ ଜାଣିଦେଇଥିବେ, ତ ଫ୍ୟୁଚର ଆଇ ୱିଲ୍ ପ୍ଲେ କ୍ରିକେଟ, ମୁଁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବି, ହୁ ୱିଲ୍ ପ୍ଲେ କ୍ରିକେଟ, କିଏ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବ, ଆଇ ୱିଲ୍ ବି ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ ହକି, ମୁଁ ହକି ଖେଳୁଥିବି, ହୁ ୱିଲ୍ ବି ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ ହକି, କିଏ ହକି ଖେଳୁଥିବ, ଆଇ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ପ୍ଲେଡ୍ ଫୁଟବଲ, ମୁଁ ଫୁଟବଲ ଖେଳିଥିବି, ହୁ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ପ୍ଲେଡ୍ ଫୁଟବଲ, କିଏ ଫୁଟବଲ ଖେଳିଥିବ, ଆଇ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ କ୍ରିକେଟ, ମୁଁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳି ଆସୁଥିବି, ହୁ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ କ୍ରିକେଟ, କିଏ କ୍ରିକେଟ ଖେଳି ଆସୁଥିବ। ତ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଭଳି ଫ୍ୟୁଚର ଟେନ୍ସ ବି ସବଜେକ୍ଟ ବଦଳି ଦେଇ ହୁ ଲଗେଇଦେଲେ ସେଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ହେଇଯିବ। ତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଖାଲି ଅଲଗା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପାଷ୍ଟ ଆଉ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଖାଲି ସବଜେକ୍ଟ ବଦଳି ଦେଲେ ହୁ ଲାଗିଯିବ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।